मनासा में सेंट्रल बैंक के सामने दिन दहाड़े किसान की बाइक की डिक्की में से 1,80,000 रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। घटना के अनुसार कंजाड़ा निवासी शंकर लाल धाकड़ मनासा में जिला सरकारी बैंक से 1,30,000 निकाल कर उसी के नीचे स्थित बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने के लिए निकले। वह 50,000 अपने घर से लेकर आए थे, लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा बोला गया कि अभी सर्वर डाउन है, इसके चलते पैसे जमा नहीं हो पाएंगे। तो किसान ने 1,30,000 व 50,000 घर से लाए हुए एक बैग में रख कर गमछे में बांध कर लाल कलर की आई स्मार्ट बाइक की डिक्की में रख रामपुरा नाके से होते हुए बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम खरीदने के लिए बाइक रोकी। इस दौरान उन्होंने बाइक की डिक्की चेक करी तो उसमें नोटों से भरा बैग चोरी हो चुका था, जिसकी जानकारी मनासा पुलिस को दे दी गई। मनासा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सेंट्रल बैंक का जायजा लिया, वहीं आस पड़ोस लगे सीसीटीवी वीडियो के फुटेज भी खंगाले। अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि बैंक के जो कैमरे लगे हैं वो बंद है, बैंक का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं इस जगह पर हो चुकी है, पर बैंक की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी ने किसान से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं किसान का कहना है कि जो 50,000 रुपए वे घर से लाए थे वह कंजाड़ा निवासी खाद बीज भंडार वाले राजू के हैं। उन्होंने उनके ही खाते में जमा कराने के लिए वह पैसे दिए थे, जो 1,30,000 मेरे व राजू के बीज भंडार वाले के खाते में डालने थे, पर सर्वर डाउन होने की वजह से पैसे जमा नहीं हो पाए तो वापस घर लेकर जा रहे थे, तभी यह घटना मेरे साथ घटी। पाचो आयो हटे तो थाना में जाओ रिपोर्ट करो, बाहर ने चीज गमाया तो उनके बाद ठीक रिपोर्ट। पैसे कितने थे आपके पास घर से, कितने लाए? घर से लाए एक चीज यहाँ से निकला है।